ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एसटी ग्राफ है हमारे पास, स्पीडो टाइम ग्राफ ये दे रखा है, ऐसा कर्व है। तो पूछा हाउ फार डज द कार ट्रेवल, हाउ फार मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है, इन फर्स्ट 4 सेकेंड मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फर्स्ट 4 सेकेंड मतलब ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया ही डिस्टेंस होगा। क्यों होगा डिस्टेंस, ये मैं आपको हजार बार बता चुका हूँ कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो ग्राफ के नीचे का एरिया होता है, जैसे यहाँ पर है, वही आपको डिस्टेंस बताता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ के नीचे का एरिया होता है, वो आपको डिस्प्लेसमेंट बताता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ स्पीड टाइम ग्राफ है और पूछा 4 सेकेंड, तो यानी यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया अगर हम निकाल दें तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, और ये तो पूछा हाउ फार डिस्टेंस। अब देखो क्वेश्चन में, आप बुक जब खोलोगे ना क्वेश्चन, तो वहाँ पर ऐसे ना स्क्वायर बने हुए हैं, ग्राफ ग्राफ ग्राफ, तो हर स्क्वायर की एक वैल्यू दे रखी है, तो सारे स्क्वायर काउंट करके उनका जो भी लेंथ और ब्रेथ है उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको ऐसे सॉल्व करोगे आप, लेंथ मान लो एक स्क्वायर की कॉन्फिग्रेशन है, एक्स एक्सिस में 2/5 और वाई एक्सिस में 2/3, तो एक्स वाई और जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे, मान लो आपके 62 नंबर ऑफ बॉक्सेस हुए, तो 62 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा और ये डिस्टेंस होगा आपका, ठीक है। तो ये होगा फर्स्ट पार्ट, समझ गए ना। ऐसे बॉक्सेस बने हुए ना ग्राफ में, जैसे बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे, तो हर बॉक्स का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखा है, फर्स्ट स्क्वायर का, और ऐसे तो उसको मल्टीप्लाई करके कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बॉक्सेस की कॉन्फिगरेशन है ये, और नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो डिस्टेंस आ गया। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये समझ गए ना। अगर एक्स एक्सिस का बॉक्सेस आपने देखा, मान लो एक्स एक्सिस का बॉक्स है, तो ये 2/5 का होगा इसका कॉन्फिगरेशन, और ये वाई एक्सिस वाले बॉक्स 2/3 का होगा, एक्स इंटू वाई और नंबर ऑफ बॉक्सेस करेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, और पूरा एरिया ही आपका डिस्टेंस होता है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, विच पार्ट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। अब आपको पता है इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए कि यूनिफॉर्म मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, तो जो भी एरिया ये टाइम एक्सिस के एकदम पैरेलल स्ट्रेट लाइन जा रहा होगा, वही आपको यूनिफॉर्म मोशन दिखाएगा। तो इसका आंसर बस यही है, आपको लिखना है द कर्व, द एरिया ऑफ कर्व विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस एंड इज अ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो ग्राफ के ही क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, तो मिलते हैं फिर। ओके चलो।